डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास क्लास 10 के लिए इसमें आपको पास्ट पार्टिसिपल का यूज बताया जाएगा। तो पास्ट पार्टिसिपल होता क्या, पहले ये समझेंगे। पास्ट पार्टिसिपल जो है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्रिया की तीसरी अवस्था, या हम कहें जो पास्ट पार्टिसिपल होती है कि हाँ, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो हुआ करके होता है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल आप लोग देखिए। यह आपकी वर्कशीट से संबंधित है। तो इसमें लिखा है, सबसे पहले लिखा है ही हेल्प द सोल्जर। सोल्जर कहता उसने एक सैनिक की मदद की। द सोल्जर वाज वुंडेड, ठीक है, था सैनिक घायल था। तो इसको अगर हम हिंदी में इसका अर्थ निकाल लेते हैं तो बड़ी आसानी से इसको हम जोड़ देंगे। तो फिर इसको देखते हैं, ही हेल्प द सोल्जर, उसने एक सैनिक की मदद की। द सोल्जर वाज वुंडेड, ठीक है, था सैनिक घायल था। तो हम ये कह सकते हैं कि उसने एक घायल सैनिक की मदद की। और इस प्रकार से जो सेंटेंस बनेगा उसमें जब आपका वुंडेड लिखा, ये पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है ये क्रिया की थर्ड फॉर्म है, और क्रिया की थर्ड फॉर्म होने के नाते ये पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ही हेल्प वुंडेड। दूसरा इसी प्रकार से हम कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही रिगार्डेड, ही रिजाइन ही पोस्ट, ही वाज डिससैटिस्फाइड। उसने ये लिखा है कि ही रिजाइन हिज पोस्ट, उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और दूसरा है कहता ही वाज डिससैटिस्फाइड, वह असंतुष्ट था। ठीक, तो इसमें आप अगर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको एक मीटर जोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं ही रिजाइंड फ्रॉम हिज डिससैटिस्फाइड पोस्ट, उसने अपनी असंतुष्ट पद से इस्तीफा दे दिया। इसी प्रकार से अगर आप दूसरे सेंटेंस लेते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल में इनका यूज करेंगे। इसके लिए अगला है, द पेन हैज बीन यूज्ड, इट कैन नॉट बी रिटर्न। इसे वापस नहीं किया जा सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रयोग किया गया पेन वापस नहीं किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से हम कितने भी सेंटेंस लिखें उसमें आपका जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसका हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद में आता है दूसरा, देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। यदि आपकी
लेसन के पीछे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, उसको आप पढ़ें और पढ़ करके आपको ये इनके बारे में पता चलेगा, पार्टिसिपेंट क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपेंट क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपेंट क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपेंट क्या होता है। तो इनके बारे में आप जानेंगे तो देखते हैं पास्ट पार्टिसिपेंट के बारे में। जो पास्ट पार्टिसिपेंट आप पढ़ चुके हैं, इसके बाद आता है प्रेजेंट पार्टिसिपेंट। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसमें क्या, अगर हिंदी अगर देखें तो उसमें कर या करके आता है। अगर कर या करके आए तो इसमें जो मिस टाइमिंग होती है, यानी कि जो इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो समय का अंतराल होता है वो इसमें बिल्कुल नहीं होता है। और इसमें एक कार्य शुरू होता है, इसके बाद दूसरा कार्य तुरंत उसी के साथ में शुरू हो जाता है, तो इसमें जो बीच का जो अंतराल है वो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसके लिए जैसे देखते हैं, बच्चे ने या लड़के ने, कितना लड़के ने शोर उठना और लिखा दबाए वो कब लड़का जग गया। तो इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि पार्टिसिपल का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में होता है। तो इसमें लिख सकते हैं आवाज, यानी कि शोर सुनते ही बच्चा जग गया, तो क्या लिखेंगे, हियरिंग द वाइच द बॉय वॉक अप। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस, ही सा अस्नेक दूधरा ही रेड वे, निकाल के तो उसने एक सांप देखा भाग गया। तो इसको अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखेंगे तो सांप देखते ही वह भाग गया, सिंह रेलवे। अगली जैसे और भी हम सेंटेंस लेते हैं, ही वर्क हार्ड पार्टिसिपल होते हैं, इनमें वर्ब में अगर आप आईएनजी लगा देंगे तो इनका प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में हो जाता है। इसके बाद आता है जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों प्रकार की वर्ब के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ट्रांसिटिव और वोकेशन के साथ में हमारा ऑब्जेक्ट होता है और जो इंट्रांसिटिव और वोकेशन के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और इसमें जो टाइम ऑफ इंटरवल होता है, यानी कि मध्यावकाश बीच का जो अंतराल होता है वो काफ़ी होता है, और इसमें एक कार्य पहले शुरू हो जाता है और दूसरा कार्य बाद को शुरू होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले
लिखा है, ये लिखा है कि ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था, ही टू रेस्ट अंडर अ ट्री, कहता उसने एक पेड़ के नीचे आराम की। तो हम ये कह सकते हैं इसमें आप देखते हैं एक वर्ब आती है हैविंग, एच ए वी आई एन जी, तो हैविंग इसके साथ में ट्रांसलेट हो पाएगी और इसके साथ में हैविंग भी है दिया जाता है। चोर को पकड़ लिया गया, पुलिस सेंट हिम टू जेल, कहता पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। और इसमें ये देखेंगे जो हमारी ये वाच ये कार्ड लिखा है, तो थीफ वाच कार्ड ये आपका पैसे कार्ड दिया है, तो पैसे कार्ड दिया है तो इसमें क्या करेंगे हैविंग वेल का प्रयोग करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे द थीफ हैविंग बीन कॉट और कहा ही वॉच नहीं, द पुलिस सेंट हिम टू जेल, द पुलिस सेंट हिम टू जेल। इसी प्रकार से आपको कितने भी सेंटेंसेस लें तो आप इनके बारे में जो पार्टिसिपल है, और चूंकि ये नॉन फिनिट होते हैं और नॉन फिनिट के अंतर्गत इनको रखा जाता है, अर्थात तो ये असीमित होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। थैंक्स।